हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में फेमस यूट्यूबर के आरके से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि फिल्म क्रिटिक के आरके आए दिन किसी न किसी एक्टर या फिर उनकी फिल्म को लेकर कोई न कोई ट्वीट करते रहते हैं, जिसके चलते उन्हें ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ता है। वहीं हम आपको बताते चले तो सबका मजाक उड़ाने वाले के आरके ने राजकुमार संतोषी की फिल्म बैड बॉय की जमकर तारीफ की है, जिसके चलते वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। फिलहाल इनके इस रवैये से फैंस काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो फ्रेंड्स, खुद को क्रिटिक्स बताने वाले केआरके सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कमाल राशिद खान उर्फ केआरके के ट्वीट इंटरनेट पर आते ही चर्चा का विषय बन जाते हैं। एक्टर ने हाल ही में सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का जमकर मजाक उड़ाया। अब केआरके ने एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने फिल्म बैड बॉय को प्रमोट किया है। निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्म को उन्होंने फैंस को देखने के लिए कहा है। वहीं हम आपको बताते चले तो निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्म बैड बॉय इन दिनों लाइमलाइट में थी। फिल्म फाइनली रिलीज भी हो गई है। इस मूवी से मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमासी चक्रवर्ती डेब्यू कर रहे हैं। इस बीच पहली बार केआरके ने किसी एक्टर की मूवी देखने के लिए फैंस से कहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मिथुन के बेटे नमासी चक्रवर्ती की फिल्म बैड बॉय आज रिलीज हो रही है। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी इस फिल्म में अमरीन कुरैसी को भी लॉन्च कर रहे हैं। इसे साजिद कुरैसी ने प्रोड्यूस किया है। जाओ और नई प्रतिभाओं का समर्थन करने के लिए इसे देखो। पूरी टीम को ऑल द बेस्ट। वहीं अगर फिल्म क्रिटिक के आरके के बारे में बात की जाए तो उन्होंने हाल ही में केआरके ने एक ट्वीट कर किसी का भाई किसी की जान का मजाक उड़ाते हुए लिखा, अब जब किसी का हाथ किसी की टांग आफत बन ही गई है तो बुढ़ाओं को चाहिए कि सभी लोगों को ईदी दे देने के लिए इसे यूट्यूब पर रिलीज करें। हमेशा ईदी की भीख मांगता है तो एक बार ईदी भी दे दें। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि तरण आदर्श ने फिल्म के 5 दिन का कलेक्शन ऑडियंस के साथ साझा किया, लेकिन आज 6वें दिन का दिखाने में शर्म आने लगी है। किसी का हाथ किसी की टांग ब्लॉकबस्टर फिल्म है। वहीं हम आपको बताते चले तो सबके फिल्मों का मजाक उड़ाने वाले के आरके ने राजकुमार संतोषी की फिल्म बैड बॉय की तारीफ की है, जिसके चलते ये सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और फैंस इस बात से काफ़ी हैरान भी है, क्योंकि आए दिन के आरके किसी न किसी को अपने निशाने पर लिए रहते हैं। खासकर उनकी फिल्मों को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही मजाक उड़ाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, फेमस यूट्यूबर और क्रिटिक के आरके के इस ट्वीट के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।